नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। सानिया और बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पदक से एक कदम दूर। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन की हैदर वॉटसन और एंडी मरे की जोड़ी को सीधे सेटों से हराया। बॉक्सर विकास कृष्ण ने दूसरा मुकाबला जीतकर बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। विकास ने प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की के सिपल ओंडर को दी 3-0 से मात। विकास ने मुकाबला 83 के मुकाबले 88 पॉइंट से जीता। शूटर गगन नारंग ने फिर किया निराश। गगन नारंग और चैन सिंह 50 मीटर राइफल प्रोन मेंस इवेंट के फाइनल में नहीं बना सके जगह। नारंग 623.1 स्कोर के साथ 13वें और चैन सिंह 619.19 अंक के स्कोर के साथ 36वें स्थान पर रहे। भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी की बदौलत सेंट लूसिया टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। भुवी ने 35 रन देकर चटकाए 5 विकेट। भारत ने वेस्टइंडीज पर बनाई 285 रनों की बढ़त। फुटबॉल के मैदान में फिर दिखेगा लियोनेल मेसी का जादू। अपने देश अर्जेंटीना के लिए फिर खेलने की घोषणा की। कोपा अमेरिका के फाइनल में चिली से हारने के बाद लिया था संन्यास। और 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में सिंगापुर के जोसेफ स्कूलिंग ने माइकल फेलिप्स को हराकर जीता गोल्ड। जोसेफ ने सिंगापुर को दिलाया पहला गोल्ड। फाइनल में 3 खिलाड़ियों के नाम रहा रजत पदक। खेल जगत की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।